आप इन तस्वीरों में जो ये वीआईपी स्टिकर वाली लग्जरी होंडा एकॉर्ड कार देख रहे हैं, जिस पर एडवोकेट का भी स्टिकर लगा हुआ है, ये कार राजकुमार नाम के शख्स की है। और आपको बता दें, राजकुमार ना तो कोई वीआईपी है और ना ही कोई एडवोकेट। राजकुमार ने ये कार सेकंड हैंड खरीदी थी ताकि इस कार का इस्तेमाल वो अवैध शराब को हरियाणा से दिल्ली लाने में कर सके। तो वहीं थाना नेपसराय के पुलिस को इस कार पर शक हुआ और पुलिस ने इस कार को तुरंत रोक लिया और तलाशी लेने पर इस कार से शराब की 30 पेटियां बरामद हुई। गाड़ी आती दिखी जो इन्हें थोड़ी सस्पिशियस लगी। इन्होंने चेकिंग के लिए गाड़ी को रोका तो उस दौरान सिल्वर कलर की होंडा एकॉर्ड गाड़ी में से इन्हें 180 मिलीलीटर की 1440 इंडियन मेड फॉरेन लिकर फॉर सेल इन हरियाणा ओनली बरामद हुई। गाड़ी जो चला रहा था वो राजकुमार नाम का 21 साल का व्यक्ति था। पुलिस जांच में पता चला है कि दिल्ली में सस्ते रेट में ये अवैध रूप से शराब मुहैया कराते थे और इससे पहले भी इनकी गिरफ्तारी सूरजकुंड बॉर्डर से अवैध शराब दिल्ली लाते समय हो चुकी है। आपको बता दें, दूसरे राज्य से 1 लीटर से ज्यादा शराब बिना लाइसेंस के लाना अवैध है, जिसमें इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त करने से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। मुमताज खान के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।